हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्रेशन इन सीरीज आईआईटी जेडब्ल्यूई का, ठीक है, आगे वाला पार्ट। तो लास्ट लेक्चर में जो यहाँ पे हम लोग ने छोड़ा था, कुछ एग्जांपल्स किए थे हम लोग ने, ठीक है। अभी आगे वाला जो है ये मेरे ख्याल से लास्ट पार्ट है, सॉरी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग ने स्टार्ट किया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग ने खत्म कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ऐसा नहीं है कि इसमें ज्योमेट्री है, इट इज नथिंग बट ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री लिखा है और इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योमेट्री से मतलब डायग्राम है ऑल दैट इसमें होने वाला है। इसमें क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जीपी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, जीपी। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि रेशियो ऑफ कॉन्जिकेटिव टर्म, जो रेशियो रहता है ना इसका, रेशियो ऑफ कॉन्जिकेटिव टर्म, ये एक कांस्टेंट फॉर्म में होता है, कांस्टेंट की तरह होता है, कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लो, ठीक है। एंड द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, ठीक है। जो कांस्टेंट रेशियो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो कॉन्जिकेटिव नंबर, जैसे एक नंबर के बगल का एक नंबर के आगे वाला जो भी नंबर है, ये दो टर्म है, ठीक है। रेशियो, रेशियो मतलब डिवीजन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, रेशियो ऑफ कॉन्जिकेटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट एंड दिस कॉन्स्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, ठीक है। देखो जैसे कि जनरल जीपी, जनरल जीपी कैन बी गिवन एज, ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता है जीपी का, ए, ठीक है, ए कमा ए आर कमा ए आर स्क्वायर डॉट 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 अप टू, ठीक है, आगे तक जाएगा जो भी इसका सीरीज बनेगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से दोगे तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मेरा ए है, ये स्मॉल ए, तो ये मेरा क्या हुआ, फर्स्ट टर्म हुआ, तो इट इज इक्वल टू ए। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो मेरा आर है। तो यहाँ पे हम लोग ने जैसे कि ये डेफिनेशन क्या बोलता है कॉमन रेशियो का, रेशियो ऑफ कॉन्जिकेटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ए और ए आर ये दोनों कॉन्जिकेटिव टर्म है, तो ए एंड ए, ए एंड ए आर एक कॉन्जिकेटिव टर्म है। तो यहाँ पे देखो ए आर रेशियो ए, तो ए आर रेशियो ए, ठीक है, दोनों कॉन्जिकेटिव टर्म था ना, ए कमा ए आर, तो मैंने इसका रेशियो लिया। तो यहाँ पे अगर मैं ए और ए कैंसिल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आर मिलेगा, ये ठीक है, फर्स्ट पार्ट है। अभी सेकेंड टर्म देखो, यहाँ पे सेकेंड वाला का ए आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आर, ए आर, ए और ए कैंसिल, आर और आर कैंसिल, बचा कितना आर, तो वो कॉन्स्टेंट मिल रहा मुझे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट मिल रहा है, आर आर कॉन्स्टेंट है, ये मेरा आर कॉन्स्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ऐसे ही बढ़ाओ, ए आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए आर स्क्वायर, ये और ये कैंसर, यहाँ से ये कैंसर, ये कैंसर, बचेगा कितना आर, फिर से मुझे आर मिल रहा है, तो मुझे कंटिन्यूसली क्या मिल रहा है, आर 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 मिल रहा है। तो ये मेरा क्या है, आर, आर इज नथिंग बट कॉन्स्टेंट है मेरा, और यही कॉन्स्टेंट रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो दैट इज, देखो यहाँ पे इस कॉमन रेशियो क्या मिला मुझे, आर मिल रहा है। अब nth टर्म भी निकालना, जैसे कि हम लोग ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग ने tn, दैट इज nth टर्म निकाला था, ठीक है, tn निकाला था। तो यहाँ पे भी सिमिलरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में a tn होता है, ठीक है, दैट इज nth टर्म। तो nth टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू a r रेज टू n माइनस 1, tn is equal to ar raised to n minus 1, ये मेरा nth term निकालने का formula है।
अब यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं SN, जैसे हम लोग ने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में SN निकालते थे, यहाँ पे भी SN का एक फॉर्मूला बनता है। व्हाट इज द फॉर्मूला? A into R raised to N minus 1 divided by R minus 1। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर मुझे सम निकालना है, सम ऑफ द फर्स्ट N टर्म, इट इज नथिंग बट A into R raised to N minus 1 divided by R minus 1। अभी ये फॉर्मूला का डेरिवेशन देखते हैं, ये फॉर्मूला कैसा आया हम लोग। तो यहाँ पे देखो, फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो S, S इज इक्वल टू क्या दिया है S, ये फॉर्मूला कैसा बनता है, S इज इक्वल टू, देखो ये मैं जितने भी मुझे जनरल जीपी दिया है ना, ये जनरल जीपी को मैं ऐड करूंगा। तो यहाँ पे देखो A प्लस AR प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए, देखो ये मेरा टी एंथ टर्म है, ये मेरा टी एंथ टर्म है, ए आर रेज टू एन माइनस वन, ए आर रेज टू एन माइनस वन, दिस इज माई टी एंथ टर्म। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन वन है, समझ लो मैंने इसको इक्वेशन वन दिया, इस इक्वेशन वन को मैं R से मल्टीप्लाई करूंगा। इस इक्वेशन वन को अगर मैंने R से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखो नया इक्वेशन बनता है ये, तो यहाँ पे देखो इसको मैं R से मल्टीप्लाई किया तो A A A को मैं R से मल्टीप्लाई AR हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है AR, इसको मैं R से मल्टीप्लाई करूँ तो AR स्क्वायर बनेगा, इसको R से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए AR क्यूब, ऐसे बनते जाएगा AR रेज टू 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बनते जाएगा। और यहाँ पे देखो इसको ए आर रेज टू एन माइनस वन, समझ लो मैंने ए आर रेज टू एन माइनस वन को इसको मैंने आर से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या होगा, ये आर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये आर की पावर क्या है, यहाँ पे आर की पावर वन है ना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस करूँगा वन, तो वो माइनस वन और प्लस वन कैंसिल होगा, तो मुझे मिलेगा क्या, ए आर रेज टू एन मिलेगा, तो मेरा लास्ट टर्म अभी चेंज हो जाएगा, ए आर रेज टू एन हो जाएगा, और सेकेंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड लास्ट टर्म यहाँ पे ए आर रेज टू एन माइनस वन हो जाएगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर टू बोलता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को मैं सबट्रैक्ट करूंगा, माइनस करूंगा, तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखो एस कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पे वन माइनस आर इंटू एस आएगा, इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो माइनस कर, अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो राइट राइट हैंड साइड में ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये फिर यहाँ से भी देखो ए आर क्यूब कैंसिल होगा और यहाँ पे ए आर रेस टू थ्री कैंसिल होगा, ए आर रेस टू फोर और ए आर रेस टू फोर, यहाँ पे देखो ए आर रेस टू एन माइनस वन और यहाँ पे ए आर रेस टू एन, ये भी कैंसिल होगा, और बचेगा क्या, बचेगा मुझे ए आर रेस टू एन, और यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू बचेगी, ये ए, ये दो ही टर्म बचने वाले हैं, बाकी सब कैंसिल होने वाला है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ए और ये देखो, ये मालूम है यहाँ यहाँ पे प्लस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि मैं इसको सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये जो प्लस है ना यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे माइनस आया है, माइनस इनटू प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस माइनस ए आर रेस टू एन हो गया बस। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, एस, तो एस को देखो मैंने वन माइनस आर जो लेफ्ट हैंड साइड में ना, इसको मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, तो राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करने की वजह से एस एन क्या होगा, ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन, नहीं पहले हम लोग को ये मिलता है ए इंटू वन माइनस आर रेज टू एन अपॉन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, तो यहाँ पे मैंने माइनस एडजस्टमेंट किया, दोनों को मैंने एडजस्टमेंट किया माइनस, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर पे, तो यहाँ पे ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, ठीक है, तो
इसको मैं इक्वेशन थ्री मान लेता हूँ, एक काम करता हूँ इसको इक्वेशन थ्री मान लेता हूँ। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन था इस फॉर्मूला एस एन का, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ये बेसिक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बेसिक है। अब यहां पे आगे हम चलते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसके हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। यहां पे नोट वन, नोट वन क्या दिया है, अगर मेरा आर का वैल्यू, अगर मैंने आर का वैल्यू मैंने वन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे एज्यूम करो मैंने आर का वैल्यू इस फॉर्मूला में वन डाला, तो यहाँ पे क्या होगा, वन माइनस वन दैट इज जीरो, यहाँ पे जीरो आएगा। ठीक है, तो आर का वैल्यू अगर मैंने वन डाला तो यहाँ पे मेरा जीपी क्या होगा, सॉरी इधर आर का वैल्यू यहाँ पे वन मिलेगा, तो यहाँ पे आर का वैल्यू वन डालूंगा, तो यहाँ वन रेज टू एन माइनस वन। ठीक है, तो इसका व्हाट इज, यहाँ पे मेरा जीपी क्या बनेगा, जीपी विल बी ए कमा ए कमा ए कमा डॉट 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 डॉट, अब कहाँ तक जाएगा, ए तक जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, देखो अब मैं यहाँ पे अपने को एक चीज पता है, जैसे हम लोग ने पढ़ा होगा पहले बचपन में, हम लोग ने पढ़ा था एक चीज, यहाँ पे मैं बचपन में हम लोग ने एक चीज पढ़ा था, ए इंटू ए मल्टीप्लाई ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये आपको मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई बाय ए ये सब करोगे ना, तो यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा, एन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा, तो एन इंटू ए लिखेंगे हम लोग। अगर ऐसा होता ठीक है, तो ये a इंटू ए इंटू ए समथिंग ऐसा रहेगा, तो इज़ इक्वल टू n नहीं लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अगर मेरा r का वैल्यू अगर 1 हो गया तो मेरा gp क्या होगा, a कमा a कमा a, अब टू कहाँ तक, a तक जाएगा। तो sn क्या होगा मेरा, यहाँ पे अगर मैं सम लूंगा इसका, ठीक है सम लूंगा, तो यहाँ पे नहीं सॉरी यहाँ पे सम ले रहे हैं ना, तो इसका इसका एडिशन होगा ना, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए अप टू ए टाइम होगा, तो एस एन क्या होगा, एन ए होगा मेरा, यहाँ पे एन ए होगा, दैट इज एन एन नंबर ऑफ मल्टीप्लाई बाय ए। अब यहाँ पे नोट टू देखो, नोट टू में अगर मेरा मॉड, मेरा मॉड इज लेस देन मॉड इज लेस देन वन, अगर मेरा मॉड ऑफ आर जो कि लेस देन वन है, और मतलब ये जो आर है ना ये लेस देन वन है, एंड एन टेंस टू इंफिनिटी, मेरा एन का वैल्यू इंफिनिटी तक जा रहा है, एन का वैल्यू यहाँ पे इंफिनिटी जा रहा है, तो और तो फिर आर ऑफ आर रेस टू एन कहाँ जाएगा, जीरो तक जाएगा। जो एस एन का फॉर्मूला है, एस एन का फॉर्मूला हम लोग ने देखा था, यहाँ पे एस एन क्या है, एस एन इज इक्वल टू क्या है, क्या है व्हाट इज द फॉर्मूला, ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। तो यहाँ पे अगर मैं मेरा यहाँ पे एन का है, एन इंफिनिटी को जा रहा है, तो a into r raised to infinity, ठीक है minus 1 upon infinity minus 1, sorry and r minus 1, ठीक है, तो r raised to infinity, r raised to infinity यहाँ पे क्या आया हमने, r raised to infinity ये जीरो तक लेकर जाएगी, मेरा ये वैल्यू जीरो का अप्रोच करेगी। तो
तो यहां से मुझे क्या मिलेगा है, ये वन हो जाएगा, ये यहाँ पे r रेस टू जीरो क्या होगा, मतलब ये r रेस टू n मेरा जीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाला भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो माइनस वन ऊपर भी जीरो माइनस वन दोनों को प्लस होके वन हो जाएगा और कैंसल होगा और बचेगा मुझे क्या, मुझे ये अपॉन सॉरी नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला कैंसिल नहीं होगा, डिनोमिनेटर वाला r माइनस वन एज इट इज रहेगा, सिर्फ ऊपर वाला जीरो होगा, ऊपर वाला जो r रेस टू n है ना वो जीरो पे अप्रोच कर रहा है, तो जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे a डिवाइडेड बाय कितना आएगा वन माइनस r, वो प्लस जीरो प्लस वन कैसे हो गया क्योंकि उसको मैंने यहाँ पे उल्टा किया, r माइनस वन को मैंने यहाँ पे वन माइनस r लिखा, इसीलिए ऊपर वाला जो नेगेटिव था ना वो पॉजिटिव हो गया, तो s ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन a अपॉन 1 माइनस r हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ये हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म हुआ, और एक कंडीशन भी है इसके लिए, ये वैलिड कब होगा, s ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r वैलिड कब होगा, वैलिड होगा जब मेरा मॉड ऑफ r ये मेरा लेस देन 1 है, मतलब क्या है जो r की वैल्यू है ना वो माइनस वन और वन के बीच में लाई करनी चाहिए, r की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में लाई करनी चाहिए। अभी ये देखो छोटा सा एग्जांपल है जीपी का, यहाँ पे क्या दिया 2 कमा 1 बाई 5 कमा डॉट 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 इज जीपी विद इनफाइनाइट टर्म्स, देन फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है, ये एक ऐसा नंबर है जो एक जीपी में है इनफाइनाइट टर्म के लिए, तो मुझे यहाँ पे दिमाग में अगर आपको देखोगे तो s ऑफ इंफिनिटी निकालना अपने को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देन फाइंड द सम ऑफ s, देखो ये देखो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, तो हम लोग को निकालना क्या है यहाँ पे s ऑफ इंफिनिटी निकालना है ना, तो यहाँ पे देखो पहले तो कॉमन रेशियो निकालेंगे, कॉमन रेशियो क्या निकालेंगे 1 बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 होगा, देखो 1 बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कहाँ आएगा न्यूमरेटर में आएगा और फर्स्ट टर्म डिनोमिनेटर में आएगा, तो 1 बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 1 बाई 10 होगा। अब यहाँ पे s ऑफ इंफिनिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर s ऑफ इंफिनिटी, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, जस्ट वहां पे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, a का वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगा ये वाला, ये मेरा a का वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, r का वैल्यू अभी हम लोग ने यहाँ से कॉमन रेशियो को स्मॉल r बोलते हैं, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करो आपको आंसर मिलेगा 20 डिवाइडेड बाय 9, the answer is for this question is 20 divided by 9, simplify करना है आपको। अब यहाँ पे देखो कुछ points है जिसको आपको memorize करना है, अगर मेरा देखो यहाँ पे क्या दिया है, if a कमा b कमा c आर इन जीपी then तीन नंबर है मेरे पास वो एक जीपी में a B and C एक GP में है, तो B by A it is equal to C by B, B by A it is equal to C by B, ये एक equation बन रहा है, तो अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने इसको मुझे GP में इसको ये अगर GP में है तो क्या कर दे GP में हम लोग आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो b स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए, ठीक है, ये हम लोग को मिलता है यहाँ पे, बस सिंपल सा एक पॉइंट है जो कि यहाँ पे आपको मेमोराइज करना है। ये कंडीशंस याद रखना है, if mod of r is less than 1 and n tends to infinity, तो r raise to n
आर रेस टू एन जीरो का अप्रोच क्यों कर रहा है, क्योंकि आर की वैल्यू जीरो इट इज लेस देन वन, ठीक है, आर मॉड ऑफ आर इज लेस देन वन, देयरफॉर आर रेस टू एन इज मतलब कोई भी नंबर छोटा नंबर, कोई भी छोटा नंबर अगर बड़े नंबर, अगर मेरे पास एक छोटा नंबर है वो 0.2, इसको अगर मैं इंफिनिटी तक ले रहा 0.2 टू द पावर ऑफ इंफिनिटी, ये क्या करेगा, जीरो का अप्रोच करेगा ना, 0.1 0.2 ठीक है, सब छोटे छोटे नंबर है, ये सब क्या होगा, ये जीरो का अप्रोच करेंगे, 0.1 रेस टू इंफिनिटी, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा यहाँ पर कंडीशन क्या, मोड ऑफ आर इज लेस देन वन, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, ये ज्योमेट्रिक सीरीज का, आगे हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज का कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए यहाँ पे आगे हम लोग इसे ही, मेरे वीडियोस को आप लोग लाइक्स कीजिए, इसको आप शेयर कीजिए मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ जो आपके स्कूल्स में कॉलेजेस में, उनको आप शेयर कीजिए क्योंकि उनको बेनिफिट हो जाए।